Hello viewers, welcome to my channel All About Education. And as we have been learning and understanding the various theories of learning, so as I have already discussed in my previous videos about the various theories regarding learning, and these theories has been broadly classified into two main categories. First one is the association theory and another one is cognitive theory, cognitive field theory. In the cognitive field theory, we have discussed about Werdemer's theory, Kohler's theory, Kafka theory, Piaget's theory, Brunner's theory, and similarly in association theory, we have already understood about Thorndike's theory, and today we are going to understand in the series of association theory of learning the theory given by Pavlov. अधिगम के सहचार्य सिद्धांत. अधिगम के सहचार्य सिद्धांत का अर्थ है कि जिसमें हम सहचार्य association develop करें between the stimulus and response. So it is also known as in Hindi शास्त्रीय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत. So let us discuss the theory given by Pavlov and what are the various conclusion he drew from the experiment done on dog. So according to I.P. Pavlov, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है. इट इज अ कंडीशनड रिस्पॉन्स. सबसे पहले लर्नर्स हम ये जानते हैं, समझते हैं कि कंडीशनड का मतलब क्या होता है. वॉट डज कंडीशनड मीन? कंडीशन का मतलब होता है जब किसी चीज की हैबिट पड़ जाए, आदत पड़ जाए, अनजाने में भी हम वही रिस्पॉन्स करें, वही अनुक्रिया करें जो हम सीख चुके हैं, जो हमारी आदत में शुमार हो चुका है. सो लर्निंग जो अधिगम है वो अकॉर्डिंग टू पावलोव इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोसेस. मानव की प्रवृत्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना है. पावलोव के द्वारा दिए गए सिद्धांत का आधार अनुबंधन था. अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित होता है. इसे प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं या टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है. सो लर्नर्स अकॉर्डिंग टू पावलोव ही सेड दैट व्हाट इज दिस बॉन्डिंग. This bonding is actually respondent conditioning theory bonding, or it is a type S bonding. According to Pavlov, whatever a human being or an animal shows as a response, it is due to some stimulus. There is some stimulus present, and according to or based on that stimulus only, the response is shown. So this theory is based on that bonding only. And here let me clarify, learner, that for any unconditional stimulus there is unconditioned response. What does this mean? What does unconditional stimulus and unconditional response mean? It means which is natural. For example, if you go to a sweet shop and you love eating sweets, when you see laddus, jalebis, and then your mouth starts watering, the saliva appears. So what is this? This is the unconditioned response to unconditional stimulus. स्वाभाविक उद्दीपन के लिए जो प्राकृतिक उद्दीपन वहां पे उपस्थित है उसके लिए जो स्वाभाविक अनुक्रिया देखने को मिलती है उसी को हम यहाँ पर अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, जैसे कि मैंने बताया चाट, गोलगप्पे या मीठा जो खाते हैं वो आपका स्टिमुलस हो गए, और उसके एवज में जो स्वाभाविक अनुक्रिया दिखाते हैं यानी कि मुंह में पानी आना, इंटरेस्ट जागना, रुचि जागना, खाने की एक ललक जागना, इस सब को हम UCS और UCR से संबोधित करते हैं. सो लर्नर प्लीज लर्न दिस abbreviation, this abbreviation UCS and UCR. So Pavlov did his experiment on dog. Similarly, what happens with humans happens with animals also.
पावलोव का मानना था कि जैसे आग, आप आग के पास खड़े हैं, आप तुरंत हट जाते हैं, आप कुछ गर्म तवा छू लेते हैं, गर्म यूटेंसिल छू लेते हैं, यू रिमूव योर हैंड। तो अगर स्वाभाविक उद्दीपन के साथ तटस्थ उद्दीपन यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस भी उपस्थित होता है, तो धीरे धीरे उस तटस्थ उद्दीपन यानी कि कंडीशन सीएस के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्ति करने लगता है। अब इसको समझने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा जो पावलोव ने किया था। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि पावलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। डॉग सैलिवेटेड ऑन सीइंग फूड, जैसे ही कुत्ते के पास फूड आया तो क्या हुआ, कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है टू दी फूड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फूड जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन है, उसके एवज में क्या हुआ, सलाइवा हुआ, मुंह में स्राव आने लगा, मुंह में पानी आने लगा खाना देखकर, तो इसकी वजह से उसके लार टपकती है। और पावलोव ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था लार इकट्ठी करने का, तो उसने देखा जैसे जैसे खाना आता है तो लार बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। ही कलेक्टेड सलाइवा इन अ बाउल एंड बिकॉज द फूड वॉज देयर सो सलाइवा वॉज प्रोड्यूस इन द माउथ ऑफ द डॉग। सो दिस इज UCS एंड UCR। सो आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट स्टेप। देन कम्स द सेकेंड स्टेप। वॉट ही डिड, पावलोव रैंग अ बेल, उन्होंने घंटी बजाई, और इसको कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस का मतलब होता है अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि उन्होंने घंटी बजाई। जब उन्होंने घंटी बजाई तो घंटी बजाने पर क्या हुआ, घंटी बजाने पर उन्होंने क्या किया कि खाने को भी लेके आए, खाने को साथ में दिया उन्होंने, बेल के साथ फूड, खाने के साथ बेल पहले बजा दी, घंटी बजा दी और उसके बाद खाना दे दिया। अब क्या हुआ, अब लर्नर्स फिर से सलाइवेशन हुआ, लार टपकी, यानी कि कुत्ते को पता था कि घंटी बजी खाना आएगा और उसके मुंह से लार टपकनी पड़ी। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि धीरे धीरे कुत्ते के अंदर ये कंडीशनिंग हो गई, ये अनुकूलन स्थापित हो गया कि जैसे ही घंटी बजती थी खाना आए ना आए लार टपकने लगती थी। सो सलाइवेशन स्टार्टेड एज सून एज द बेल वॉज रंग, लेकिन फूड नहीं आया, बट अभी लार टपक रही है। तो जो लार टपक रही है इसका मतलब ये है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के लिए अस्वाभाविक अनुक्रिया देखने को मिली, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस के एवज में कंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशन रिफ्लेक्स देखने को मिला। सो जैसे कि कुत्ते को भी होता है, जो मालिक होता है जो खाना लेके आ रहा है उसके फुट स्टेप्स यानी कि उसके कदमों की चाल से ही उसको पता चल जाता है कि मालिक आ रहा है, मेरे लिए खाना आ रहा है, तो उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि मालिक खाना ना ला रहा हो लेकिन कदम ताल से पदचापों से उसको ऐसा लगता है खाना आ रहा है और सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सीएस एंड रिस्पॉन्स इज सीआर। सो दिस इज वॉट पावलोव टॉक्ड अबाउट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। So I hope you understood what experiment he tried to present before us. लेकिन उन्होंने एक बहुत important बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो CR है ये नहीं कि आप घंटी बजाते रहेंगे रोज और खाना नहीं देंगे और फिर भी उसकी लार टपकती रहेगी। No, you cannot continue with CS and you expect CR for too long because after some time that food is required. After some days, if you do not give the food, the salivation content will keep on decreasing. लार टपकना कम होता जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि भाई खाना नहीं मिल रहा है, सिर्फ घंटी बज रही है। So, after some time, UCS is required. यहाँ भी देखिए मैंने डिटेल में समझाया है कि UCS स्वाभाविक आपका फूड है और स्वाभाविक अनुक्रिया UCR unconditional response is salivation, लार टपकना, कुत्ते की लार टपकेगी और उस लार की जो सलाइवेशन है वो उसका रिस्पॉन्स है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नो फूड नो सलाइवेशन, ये तो रूल ही है, आपको पता है अगर खाना नहीं होगा
घंटी बजाइए, पदचाप, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन घंटी बजाई और आपने देखा कि क्या सलाइवेशन हो रहा है, नहीं होगा। उसके बाद घंटी के तुरंत बाद आप खाना दीजिए, सलाइवेशन हो जाएगा। और ड्यूरिंग कंडीशनिंग यानी कि अनुकूलन के दौरान उसको आदत डाल रहे हैं, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी कि भाई घंटी के साथ खाना मिल रहा है और वो कंडीशनिंग हो जाएगी, एंड दिस इज द फाइनल स्टेज इट विल रीच। सो दिस इज सी एस रिस्पॉन्स, हियर देयर इज दिस शुड बी सी एस एंड दिस शुड बी सी आर, ओके, दिस शुड बी सी आर। सो इन दिस वे यू कैन सी द रिस्पॉन्स सलाइवेशन बिकॉज बेल इज रंग एंड द डॉग इज एक्सपेक्टिंग फूड। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड वॉट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, हम किस तरह से इस क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निहितार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं लर्नर्स आपको बताना चाहूंगी कि इसी प्रयोग को, इसी एक्सपेरिमेंट को वॉटसन ने शिशु के ऊपर भी किया। अक्सर आप लोग फेसबुक में आजकल देखते होंगे कि बच्चों के सामने खिलौना रख देते हैं, बच्चा बहुत खुश होता है और वो खिलौने से खेलने लगता है, अचानक खिलौने में एक तेज से आवाज करते हैं, बच्चा डर जाता है। तो उससे क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो बच्चे के अंदर उस खिलौनों को लेकर डर पैदा हो जाता है क्योंकि बच्चा कंडीशनड हो गया। फिर वो खिलौना हटा दीजिए कुछ समय के लिए तो बच्चा भूल भी जाता है। तो उसी तरह से वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक बच्चे पर। उन्होंने शिशु के सामने एक सफेद चूहा रखा जिससे वह खेलने लगा और खेल के दौरान एक तेज आवाज दी गई जिससे वह डर गया और इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। थोड़े दिनों बाद वो बच्चा जो है वो चूहे से डरने लगा बिना आवाज के, वो चूहे को देखता था और डरने लग जाता था। तो ये कंडीशनिंग का एक, दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल विच वॉज गिवन बाय वॉटसन। सो इससे कंक्लूजन ये निकला कि अनुबंधन द्वारा सभी तरह का अधिगम हो सकता है। दैट मीन्स इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन दिस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देन लर्निंग इज डन। नाउ कमिंग बैक टू द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कक्षा का वातावरण स्नेहपूर्ण डर से रहित होना चाहिए। जितना अच्छा वातावरण होगा छात्र उतना अच्छा कक्षा में सीखेगा। जो कुसमायोजित मैल एडजस्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जितना आप बच्चों को एक मोटिवेशन देंगे, एक एनकरेजमेंट देंगे, जितना अच्छा स्टिमुलस देंगे बच्चे का रिस्पांस उतना अच्छा होगा। जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी। और इस दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे और शिक्षक के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बने, इससे लर्निंग बहुत अच्छी होगी। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो ये मेथड है, ये सिद्धांत जो है, उन विषयों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती है, विच रिक्वायर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इस तरह के लर्निंग में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में जैसे कि मैथ्स है, लैंग्वेज है, इन सब में ये थियोरी बहुत कारगर साबित होती है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये मेरा वीडियो समझ में आया हो कि पावलोव ने किस तरह से शो किया अपना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।